रोद को ही सैलाब को आए हुए तकरीबन 2 माह हो चुके हैं। इस सैलाब ने तौसा के इलाका बस्ती छतानी गीदरवाला समेत कई बस्तियों को सफा हस्ती से मिटा डाला। कई इंसान सैलाबी रेले में बहकर लुकमा अजल बन गए, जिनकी लाशें कई दिनों बाद मिली। हर तरफ तबाही बर्बादी के मनाजिर थे जो अब तक मौजूद हैं। ये सैलाब अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लेकिन अपने पीछे कई कहानियाँ और सवाल छोड़ गया है। सबसे पहला सवाल तो यह है कि यह सैलाब कुदरती था या किसी इंसानी गलती या खुद गर्जी उसकी वजह बनी, उसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। आइए आपको लिए चलते हैं तौसा शरीफ के इलाका गट्टा खुर्द की या मोही वाला गट्टा। तारीख में पहली बार इस इलाके में सैलाब आया और बांध टूटा, जिसने बहुत बड़े सानिया को जन्म दिया। सबसे पहले एक मस्जिद इमाम जो इस इलाके का रिहायशी है और खुर्द की कबीला जो खोसा कबीला का एक शाख है से ताल्लुक़ रखता है, उससे बात करते हैं कि ये बांध कैसे टूटा। असा सही मौके पर खड़े हैं जिरा गट्टा खुर्दक आख्या वेंदे जिरा इतों कने त्रुटे सारे लोगों का तबाही मच बती थोड़ा जहाँ बचा वधे थोड़ा जहाँ यो बजा खड़े ये भी मामूली तौर वत कोई पानी आया तो वत ये भी लुड़िया वे इंदा कोई तवज्जो हकूमत इतना का नहीं दिता तवज्जो इतना का नहीं क्यों तवज्जो का नहीं जेरा अफसर आए या मकामी आए साहिब आए उन्हें तवज्जो नाल इतना तफसील नाल कहीं कने नहीं पूछा ये कित वास्ते लुड़े कित वास्ते इंदा नुकसान थे साहिब जेरा आए बस नौका डेहदा गए पिया यहाँ सरकारी रकबा सरकारी रकबा सारा जरा कब्जा करके वो आबाद करके रस्ता नए का बंद थी गए पानी का बंद थी गए बिल्कुल रस्ता कह नहीं सरकारी रकबे देते लोग चढ़ गए ई साल भी बिलडोजर आए बाकी सरकारी रकबे के बचाने वास्ते उत्थों वज कोसा वल नगर दे और कास्त नगर दे उत्थों वज बूढ़न बाकी इतों घट बुढ़ मेहरबानी करें हुकूमत सरकारी रकबे ते बिलडोजर कै चलवाए सरकारी रकबे ते बिलडोजर वन चलवाए हैदर वल्द शाहल सैफल वल्द हाजी सदीक इन्हें को मैं वन रोके इन्हें के असा इथा वल गट्टे ते तुसा आयो तो असा पलाचना चाके तुहा कुमार सटे थे मैं वल गट्टे ते घट आउंदा हमें घट वल मगर गाल है मेहरबानी ए थी वंजे ए सरकारी रकबा जरा छुड़िया वंजे इंदा रस्ता भी पानी का छुड़िया वे नती ये गट्टा बिल्कुल नहीं खड़ता है बंद थी गए जेड़ो गुड़ो पानी हूँ एक गट गंढा इतो डे के पानी वन गट्टे कने इंटे वलाए ने जेड़े वेले एक गंढा डीते ने पानी लाजमी इंदू ते चढ़ना हा रस्ता कहने हा इंदू ते चढ़ना अपना रस्ता किडो है पहले पानी वन अपने रस्ता पहले हो ओहे ओ जरा जंगल खड़े उत्थों भी सारा आबादी बन गए मूसा वल्द अला बस्त खुदा बस्त अला बस्त उन्हें लोगों ने बहु लोगों उन्हें सरकारी रकबे काश्त करके मगर ये रास्ता बंद थी गए हूँ सरकारी पटवारी आवे ये अपना जरा सरकारी मुकर्र शुदा रकबा है ई गट्टे का ऊकू छुड़ा किता वे न तो हुकूमत जितनी जोर लावे बधे गट नहीं खड़ता बत्ती लखे लोगों का पहले नुकसान था एक गैर कानूनी नाला बनाया गया रकबा सैराब ने ओ नाला कहता है ओ नाला हैदर वल्द शाहल 200 बीघा उन्हें वाज उनते रहा है राधे ने 200 बीघा ओ भी गैर कानूनी उन्हें दा रकबा भी कहने सरकारी रकबा भी है शमलात भी है उन्हें दा मलकियत ही उथों कहने मगर बहु नुकसान ऊहू नाले दिते इतना गैर कानून बहाया गए कोई साल नहीं गया ई साल वहा ने उतों रखता तो नहीं गैर कानून उ नुकसान दिते बहु बहु अच्छा जितना हालात थे जितना मकान तबाह थे इनके जिम्मेदार तो कह कुछ समझ देवे इनकी जिम्मेदार असा तो ये समझते हैं जेरा लोग पटवारी आके देखे नाले को मकाम जेरा है मौके ते जेरा इतना नाला ऊ वहा जिम्मेदार है वो जिम्मेवार है बिलडोजर इतना आए उन्हें कि असा वो रकबे को उतो दुबा देंदे हैं ऊकू बचेंदे हैं ये गट्टा किता ही नहीं वेंदा उन्हें को मैं रोके मैं इतना वह गट्टे दे उते चार दीवार बिलडोजर बंद रह गए वल मकामी दरोगा आए उनका नाम रशीद खान है ऊँ आखिए इतना ही बदो इतना ही ठीक है उतों जाए कहीं नहीं गैर कानून है वल उन्हें दरखास्त लेके एक तहसीलदार आते ने उनका नाम
सरवर रोज कोही रहा मगरानिया उनको एक लेला खवाया गए 10,000 रुपया दिता गए वाली उन सरकारी रकबा बचावन वास्ते उन्हें कास्त फसल बचावन वास्ते वती बिल्डोदर उत्थान बन मोड़े इतने नहीं गुड़ा उन्हों नुकसान पहुँचाए बहुत। एक गूंगा शख्स भी इस बंद के मुतालिक अपने इशारों की जबान में बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ कितना पानी आया और कैसे यहाँ से बंद टूटा। सैलाब जदगान अब किस हाल में हैं जी? ना सारे कोठे रह गए, ना सारे जाही रह गए, सारे कपड़े जूती कहने सारा दाने अट्टा मौके से लुढ़ गए, जरा गट्टा टूटे वो सारे करे खाला थी गए, छोटा एडो बंद थी गए, खाला छोटा थी गए, पानी ज्यादा थी गए, उन्हें दबाव दे वजह कने गट्टा टूटा गए, फिलहाल भी रेला आए बलाया ना गट्टा भी टूट गए, वजह दे वजू हाथ कनु के खाला छोटा थी गए, पानी कढ़ ना सकता एक गल हो टूटा गए भला उतो कने सारे कोठे है भला बाल बच्चे बाहर हो बैठे हैं कोई शह नहीं रह गया, ना दाणा रह गया, ना आटा रह गया, ना बालें दे कपड़े रह गए, ना बालें दे जुत्ता रह गए, अस उवें खड़े थे। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, अस बाहर जंगल दे विच पानी दे जिद विच आ गए हैं, लुढ़ गए हैं, तबाह थी गए हैं, अगर हुकूमत दा भलाई थींदे साडा कॉल करे पता करे, मगर ये बंदा आ गए पहले पहले दफे इंदा मेहरबानी, हाल हवाल सुन दे खड़े और राशन पानी भी मुक गए, सब चीज मुक गए, अगर तुसा कनु हिम्मत थींदे सरो सर गट्टे दे पहला जिद विच पानी विच असा आ गए हैं 70-80 जुगा हो सी, तुसा आप आके देख सो मौका देखो सारा जा देखो ढट्ठे लाथन सारा ओडो स्याला मिल गए कशे नहीं रह गया, अगर मेहरबानी थी सकते साडा पता करो। मकामी लोगों का कहना है यहाँ के बासर अफराद सैफुल्ला बल्द हाज सदीक हैदर वल्दशाल खुर्दगी जिन्हें PTI के मकामी MP और MNA की पोस्ट बनाई हासिल है, उन लोगों ने गट्टा खुर्दगी के साथ वाकई सरकारी रकबा और शामलात पर कब्जा किया हुआ है। उन लोगों ने बांध के कुदरती रास्ते के दरमियान 2 पुश्ते बनवा कर कब्जा किया गया, सरकारी रकबा को शराब करने के लिए अपनी मर्जी से इसके डिज़ाइन को तब्दील कर लिया और गैर कानूनी खाला बनाया। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान बनने के बाद उस वक्त एक अफीसर मलिक अब्दुल अजीज़ कुरिया ने बैलों के जरिए ये बांध बनवाया, फिर उस बांध को दोबारा मजबूत बनाने के लिए 1987-88 में सरदार अमजद फारूक खोसा ने 20 लाख रुपए ग्रांट मंजूर कराई और फिर हर 2 साल बाद उसकी मरम्मत की जाती रही, लेकिन गुज़िश्ता 3 साल से इस बंद की मरम्मत ना हो सकी। 2 साल कबल इस बंद की मरम्मत के लिए सरकार ने एक बुलडोज़र भेजा, मकामी लोगों के मुताबिक इस बुलडोज़र को बासर लैंड माफिया ने काम ना करने दिया और रोद कोई दरोगा आया लेकिन उसकी भी एक ना चली, फिर रोद कोई तहसीलदार सरवर मलगानी आया जिसने लैंड माफिया से बकरे की दावत खाई और 10,000 रुपये नकद नजराना वसूल किया, फिर उन्हें सरकारी बिल्डोज़र के जरिए बांध का डिज़ाइन तब्दील करने की खुली इजाज़त दे दी जिससे बासर अफराद कब्जा शुदा रकबा पर पानी ले जाने में कामयाब हो गए और फसलात काश्त करने लगे। दूसरा जुल्म इस माफिया ने यह किया कि इस बंद पर हज़ारों की तादाद में दरख्त लगे हुए थे, इस माफिया ने सरकारी अमले की मिली भगत से दरख्त लाखों रुपये में फरोख्त कर दिए, रोड को एक रास्ते पर छोटे बंद बनाकर उनमें फसलें काश्त कर ली गईं, इस साल बारिशें कुछ ज़्यादा हो गईं और ये मिनी डैम भी पानी से भर गया, मुसलसल छेड़छाड़ फिजिकल तब्दीली दरख्तों की कटाई और बार वक्त बांध की मरम्मत ना होने से ये बांध पानी का दबाव बर्दाश्त ना कर सका और टूट गया। अब सवाल यह है कि कई कीमती इंसानी जानें इस सैलाब की नज़र होगी, इन हलाकतों का जिम्मेदार कौन है? सैकड़ों खानदान सैलाब से मुतासर हुए, उनके घर सफा हस्ती से मिट गए, उनके जिम्मेदारों का तयन कौन करेगा? डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर डेरा गाजी खान सियासी दबाव से निकलकर आज़ादाना तहकीकात और मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोहतरम चीफ जस्टिस इस इंसानी अलमिया पर सो मोटो एक्शन लेंगे, जो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है।